हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल। वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप की मटकी भेल खाई होगी, लेकिन ये मटकी भेल मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ये भेल बनाकर मैंने घर पे सबको खिलाया तो सबको बहुत पसंद आया और सबने बोला आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डालिए और इसे गर्म होने दीजिए। 4 कप्स स्प्राउट मटकी, और भेल के लिए इस मटकी को आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट, और यहाँ पर मटकी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब हिलाते चलाते हुए ये मटकी गर्म हो जाए तो हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पकाना उतना है कि जितने में ये ट्रांसलूसेंट सी दिखने लगे, हल्की सी पक जाए, बस उतना ही। अब इसे गैस स्टोव से उतार लेंगे और साइड में रख देंगे और ढक के रखेंगे और अगली तैयारी करेंगे। एक लार्ज मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप डालेंगे मुरमुरे। मुरमुरे को कुरमुरे, लाई, बहुत कुछ, सब जगह पे अलग अलग इसके नाम है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून फ्राइड चना दाल, 1/4 कप ऑल इन वन मिक्सचर। ये वाला मिक्सचर नमकीन है, मीठा नहीं है। 1/4 कप मिर्ची वाला बेसन का सेव, और इसमें डालेंगे 1/4 कप सादा बेसन का बना हुआ सेव, और इसमें डालेंगे 2 फारसी पूरी जो कि क्रिस्पी है और सॉल्टेड है। आप चाहे तो फारसी पूरी डालिए या सेव पूरी डालिए, दोनों का टेस्ट अच्छा आता है। 1/4 कप बारीक सेव, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड अनियंस, और 1/2 कप फाइनली चॉप्ड टोमेटोस, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1/4 कप चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। और यदि आपको ज़्यादा चटपटा बनाना है तो इसमें नींबू का रस निचोड़िए। नींबू का रस अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। हमने मटकी को 1/2 कुक करके रखा हुआ है जो कि 4 कप्स है, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे सिर्फ 2 कप्स। कभी भी आप भेल बनाइए, स्मॉल बैचेस में बनाइए, इससे क्रिस्पी भेल आप खा सकेंगे, सैग नहीं होगा। और या आपको ज़्यादा बनाना तो इमीडिएटली बनाइए और सर्व कीजिए। अभी मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कप्स मटकी डाली है इसमें। इतनी मटकी भेल 2 लोगों के लिए काफ़ी है। यदि आप 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप 4 कप्स मटकी यूज़ कीजिए। और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं अभी इसमें, वो डबल कर दीजिए। इसमें जो हमने मिक्सचर और नमकीन डाला है वो सब सॉल्टेड है, इसलिए एक्स्ट्रा सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इमली की चटनी जो कि खट्टी कम है लेकिन मीठी ज़्यादा है। इमली की चटनी हिसाब से ही डालिएगा, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो मटकी भेल सैग हो जाएगी। थोड़ी सी इमली की चटनी डालें और ऐसे मिक्स करें तो इसमें जो मुरमुरा है, जो लाई डाली है हमने, वो क्रिस्पी रहेगी। इवन जो हमने नमकीन इसमें डाला है वो क्रिस्पी रहेगा थोड़ी देर तक, और अब खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा इमली की चटनी डालने से ये सैग हो सकता है, इसलिए थोड़ा कम ही डालिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। जब आप भेल में सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हों
तो बहुत ही जेंटली मिक्स कीजिएगा, इससे ये जल्दी सैग नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए देखने में भी कितना चटपटा और यमी लग रहा है, और स्प्राउट मटकी डालने के कारण ये बहुत हेल्दी भी है। स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल रेडी हो चुकी है, इसलिए इसको हम तुरंत सर्व करेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। इतनी शानदार स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल आप घर पे ही बना सकते हैं, और हेल्दी वाली मटकी भेल बना सकते हैं। इस टाइप का भेल चाट या कुछ भी बनाना हो ना, तो आप अकेले नहीं होंगे घर में, घर के सारे मेंबर लग जाएंगे इसे बनाने के लिए, क्योंकि सबको बहुत पसंद आता है इसे खाना, तो कोई भी ना नहीं कहेगा। और इस टाइप की चीज़ें यदि घर पे ही आप बनाते हैं तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है, और मज़ा भी बहुत आता है साथ में मिलकर बनाने का और साथ में मिलकर खाने का। अब इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से चॉप्ड अनियन से, और गार्निश करेंगे थोड़े चॉप्ड टमाटो से, और गार्निश करेंगे इसे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से। हरे धनिए के पत्ते डालते ही देखो ये कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक सेव, उसे आप थोड़ा क्रश करके डालिए इसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है और गार्निश कर लेना है। इससे गार्निश करते ही इसका रंग बहुत ही उभर कर आएगा, और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसे खाने से। लास्ट में इसमें थोड़ा सा चना दाल वाला नमकीन डाल दीजिए। अब बस इसे सर्व करेंगे एक फारसी पूरी के साथ, और इसी के साथ आप उठाइए और इस मटकी भेल का मज़ा लीजिए। बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है, बिल्कुल भी आपका रुकने का मन नहीं करेगा, आप खाते चले जाएंगे, इतना बेहतरीन है ये। ऐसी स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल के लिए आपको ज़्यादा कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं वो पहले से ही आप अरेंज कर लीजिए, फिर बनाइए कभी भी फटाफट, बड़ा मज़ा आएगा आपको। स्वाद के साथ अपने सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है ना? इसलिए स्प्राउट मटकी डालना मत भूलिएगा। ये एकदम डिफरेंट टाइप की स्प्राउट मटकी वाली मैंने भेल बनाई है, और ये स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल बनी है बहुत ही हेल्दी और है बहुत टेस्टी। ईट एंड एन्जॉय। अगर आपको ये स्ट्रीट स्टाइल मटकी भेल पसंद आई हो तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही कुछ मैं इजी और हेल्दी रेसिपी का आइडिया आपके लिए लेके आती रहूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।